Carriage of excavated earth by mechanical transport, including loading, unloading, and stacking for lead beyond 50 meters up to 1 kilometer. जो हमारा बेसिक एटम है उसमें जो लीड है वो 50 मीटर्स तक होती है. तो अगर हम देखेंगे कि अगर हमारी लीड अब 50 मीटर से ज़्यादा होगी, यानी कि 1 किलोमीटर तक होगी, तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा पे होगा. तो वो एक्स्ट्रा पे जो होगा कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, हम 1 किलोमीटर लीड तक एनालिसिस करेंगे और फिर जो 50 मीटर लीड जो हमारी बेसिक एटम में पे हो रही है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 किलोमीटर लीड के लिए हमारी क्वांटिटीज़ क्या होंगी. तो हम जो अर्थ को 1 किलोमीटर तक ले जाएंगे उसके लिए हम टिपर यूज़ करेंगे. तो हमारा मटेरियल्स में क्या होगा, एक तो हमारा टिपर यूज़ होगा डीजल ऑयल, मोबिल ऑयल और बेलदार. तो जो ये टिपर है, जब लीड हमारी 1 किलोमीटर तक होगी तो ये 7.11 ट्रिप्स एक डे में दे सकता है और जो पर ट्रिप कैपेसिटी होगी इसकी 8 क्यूबिक मीटर होगी. लेकिन जो 8 क्यूबिक मीटर है लूज सॉइल होगी, तो नेट जो हमें पेएबल होगा वो हमें 20% डिडक्शन के बाद 6.4 क्यूबिक मीटर्स पे होंगे. तो क्वांटिटी डीजल की यूज़ होगी 4.04, मोबिल ऑयल 0.144, बेलदार 6 और टिपर 1. तो फिर हम इसमें रेट्स देंगे, जो भी करंट रेट्स होंगी वो हम इसमें देंगे. तो फिर जब इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारा टोटल आ रहा है 8318.96. तो जो ये 8318.96 है, ये हमारा कॉस्ट आ गया 7.11 ट्रिप्स मल्टीप्लाइड बाय 6.4 क्यूबिक मीटर पर ट्रिप. तो इतनी क्वांटिटी का ये आ गया. तो अब 1 क्यूबिक मीटर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 7.11 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 से. तो ये आ रहा है हमारा 182.82 रुपीज़. तो अर्थ को 1 किलोमीटर तक ले जाने के लिए हमें 182.82 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है. लेकिन जो ये 1 किलोमीटर है ये हो गया 0 to 1 किलोमीटर. लेकिन जो हमारा बेसिक एटम है उसमें 50 मीटर्स की लीड हमें ऑलरेडी पे हो रखी होती है. तो जो 50 मीटर्स की लीड है वो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है. तो जो CPWD की स्पेसिफिकेशंस है या एनालिसिस है वो बोलती है कि अगर हम 7.67 बेलदार यूज़ करेंगे अर्थ को कैरी करने के लिए 50 मीटर्स तक, उसमें हमें वो 35 क्यूबिक मीटर अर्थ को वहाँ तक 50 मीटर लीड तक ले जा सकते हैं. तो ये 35 क्यूबिक मीटर जो है ये लूज़ है, तो इसमें भी हम 20% जब हम डिडक्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 28 क्यूबिक मीटर. यानी 7.67 बेलदार जो है वो 28 क्यूबिक मीटर एक दिन में 50 मीटर लीड तक ले जा सकते हैं. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ रहा है 3735.29. तो ये 28 क्यूबिक मीटर्स का कॉस्ट है. 1 क्यूबिक मीटर का निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 28 से, तो ये हमारा आ रहा है 133.40. तो अप टू 1 किलोमीटर 182.82 आ गया, उसमें से हम माइनस करेंगे 133.40. तो इनकी डिफरेंस जो है ये हमें देगी कि कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें लगेगा 50 मीटर से 1 किलोमीटर तक. तो उसके बाद हम इसमें वाटर चार्जेस ऐड करेंगे, GST ऐड करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ओवरहेड्स ऐड करेंगे, लेबर्स ऐड करेंगे, तो वो हमारा आ रहा है 66.11. यानी जो हमारा बेसिक एटम है जिसकी एनालिसिस हमने पहले की हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो उसमें आया था हमारा 176.92. तो अब हमें और एक्स्ट्रा पे होगा 66.11. ये लीड 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसका एनालिसिस अब डिपेंड करेगा कि हमारी लीड कितनी है.